हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव के उस बयान का जवाब दिया जिसमें बिप्लव देव ने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी पार्टी को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एहसान नहीं किया है। इस बयान को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया। गठबंधन से पहले अमित शाह के दिल्ली निवास पर दोनों पार्टियों के नेताओं में चर्चा के बाद सहमति बनी थी, उसके बाद ही गठबंधन पर मुहर लगी थी। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला ने झज्जर जिले के बैरी गांव के दुजाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया और इस दौरान वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। कि 122 करोड़ रुपए का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का झज्जर जिले का जो हमारी 25 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी अनाउंसमेंट थी उसका कार्य है। मुलाकात हो रही है, किस तरह देखते हैं आप लगातार? मुलाकात करना कोई अपराध है? मुलाकात तो सभी करते रहते, मेरे पास भी आते हैं, उनके पास भी जाते हैं। आज काम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, किसी भी MLA को, मुझे नहीं लगता कि वो जाने में सरकार के पास कोई रोक है। राज ने सरकार को समर्थन दे रखा है, हमने कौन सा उनका समर्थन छोड़ा है? सरकार ने बयान आया कि सरकार ना कर्मचारियों की ना किसानों की ना पहलवानों की ना जवाब। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, कांग्रेस के राज की तरह ना तो हमें इम्प्लॉयज पर प्राइवेट सेक्टर में लाठियां बरसानी पड़ी, ना हमने टीचरों के गोलियां मारी। जो दुर्दशा कांग्रेस ने करी थी उससे तो प्रदेश बहुत बेहतर तरीके से प्रगति के पथ पर चला है, और 3.5 साल में प्रदेश को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर समृद्ध किया जाए, हमने उस पर काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। तो आपको बता दे, दुष्यंत चौटाला एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और जेजेपी पर बिप्लव देव के तंज पर दुष्यंत चौटाला ने अपना बयान दिया जिसमें बिप्लव देव ने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी पार्टी को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एहसान नहीं किया। इस बयान को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया।